वेलकम बैक क्यू न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते आज के मुख्य समाचार। नगर निकाय चुनाव से पहले निकायों को मिले बड़े निर्देश। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में तेजी देखी जा रही है। सोमवार को आए मामले के बाद प्रदेश देश का सातवां सबसे संक्रमित राज्य बन गया है। बता दें कि सोमवार को मध्य प्रदेश में 3,398 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 22,654 पहुंच गई है। इसी बीच नगर निकाय चुनाव से पहले नगर विकास और आवास विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अभियान चलाने के निर्देश निकायों को दिए गए हैं। हजारों कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा लाभ। शिवराज सरकार शुरू कर रही है नई व्यवस्था। मध्य प्रदेश के हजारों कर्मचारी को बड़ी राहत मिलेगी। जहां सहकारी समितियों में काम करने वाले कर्मचारी को वेतन के लिए परेशान नहीं होना होगा, इसके लिए सहकारिता विभाग द्वारा नई व्यवस्था तैयार की जा रही है। इन नियमों के मुताबिक अब किसानों को अल्पावधि कृषि ऋण देने पर समितियों को 1.5% कमीशन दिया जाएगा। हाई कोर्ट में ऑटो रिक्शा विनियमन योजना 2021 का प्रारूप पेश, 4 सप्ताह में देना होगा अंतिम रूप। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सोमवार को राज्य सरकार की ओर से ऑटो रिक्शा विनियमन योजना 2021 का प्रारूप पेश किया गया। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीद और जस्टिस संजय द्विवेदी की युगल पीठ ने प्रारूप को अंतिम रूप के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। घर से परीक्षा दे सकेंगे 9वीं-11वीं के छात्र। कोरोना के हालात को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके अनुसार कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्र घर से एग्जाम दे सकेंगे। इसके लिए इन छात्रों को स्कूल से उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, जिसे हल करने उन्हें नजदीकी परीक्षा केंद्र पर जमा करना होगा। वन विचे के फ्लैट पर प्रदेश सरकार ने दी 1.5 लाख की छूट। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे वन विचे के फ्लैट पर प्रदेश सरकार ने 1.5 लाख रुपए की छूट के आदेश दे दिए हैं। इस छूट के बाद अब 8.5 लाख रुपए वाला फ्लैट 5.5 लाख रुपए में मिलेगा। अनारक्षित टिकट बेचने की मिली मंजूरी। भोपाल रेल मंडल जल्द तय करेगा ट्रेन स्टेशन व तारीख। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन ने सोमवार को रेल यात्रियों के लिए अनारक्षित टिकटों की बिक्री पुनः शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संदर्भ में अब भोपाल रेल मंडल को अनारक्षित टिकट बेचने संबंधित गाइडलाइन व तारीख तय करनी है। ये टिकट चुनिंदा ट्रेनों व स्टेशनों के लिए ही होंगे, जो निर्धारित समय में ही जारी किए जाएंगे। शिवराज सरकार जल्द शुरू करेगी नई परियोजना, युवाओं और महिलाओं को मिलेगा लाभ। दरअसल प्रदेश के युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के साथ ही उनके कौशल विकास के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार द्वारा नई परियोजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इस परियोजनाओं के तहत प्रदेश के युवाओं और महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्राप्त होंगे। सतना और खरगोन में शुरू हुए ऑनलाइन लाइसेंस बनाना, इंदौर में करना पड़ा इंतजार। परिवहन विभाग ने आखिरकार प्रदेश के 2 जिलों सतना और खरगोन से घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनाने की सुविधा शुरू कर दी है, लेकिन इंदौर में इस सुविधा के लिए अगले सप्ताह तक का इंतजार करना पड़ सकता है। आरटीओ अधिकारियों के अनुसार सोमवार सतना और खरगोन आरटीओ में इसकी शुरुआत हो गई है। सुकमा के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले को लेकर अब देश भर में नाराजगी है। लोगों ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि अब समय आ गया है नक्सलवाद को जड़ से मिटाने का। लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार को अब इस पर सख्त निर्णय लेते हुए नक्सलियों पर कार्रवाई करनी होगी। इधर जबलपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में सामाजिक संगठनों द्वारा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गई है। नियम कायदे की व्याख्या करने वाले मनमानी करने पर उतारू है। जहां सामान्य प्रशासन विभाग ने भर्ती में
पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया है, वहीं यूनिवर्सिटी ने 14% देने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण का लाभ भी लागू नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 16 अप्रैल तक लगाए जाएंगे विशेष शिविर। मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी दिशा निर्देश के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के समग्र हितग्राहियों को सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार के साथ साथ शिविरों का आयोजन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर इस दिन होगा फैसला। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के परीक्षाओं को लेकर 15 अप्रैल को फैसला लिया जाएगा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं की परीक्षा 30 अप्रैल और 12वीं की परीक्षा 1 मई से शुरू होने वाली है। कोरोना संक्रमण को लेकर विद्यार्थी और उनके अभिभावक भी चिंतित हैं। बीते 24 घंटे में मिले 3722 नए केस, बोले सीएम शिवराज, गंभीर संकट का महीना। मध्य प्रदेश में कोरोना की लहर भयानक हो चली है, लगातार संक्रमण के बड़े मामले सामने आ रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 3722 नए केस दर्ज किए गए हैं, इसके साथ ही 18 लोगों की मौत भी हो गई है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बीच कमलनाथ की सीएम शिवराज से मांग। मध्य प्रदेश में एक बार फिर शिक्षक भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 साल बाद शुरू हुई प्रक्रिया के लिए सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बड़ी मांग की है। बिजली नहीं, 391 करोड़ रुपए के प्रमाण पत्र खरीदना चाहती है बिजली कंपनी। प्राकृतिक स्रोतों से बिजली तैयार करने की मुहिम में बिजली कंपनियां पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि नवकरणीय ऊर्जा खरीदने की बजाय कंपनी प्रमाण पत्र खरीदना बेहतर मान रही है, वो भी पूरे 391 करोड़ रुपए के। इस खर्च का बोझ आम उपभोक्ताओं को महंगी बिजली खरीद कर भरना होगा। UPSCC इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के लिए आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू। संघ लोक सेवा आयोग ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के जो छात्र इच्छुक हैं वे आज यानी 7 अप्रैल से आवेदन कर सकते हैं। UPSCC आज AECC परीक्षा 2021 के लिए आवेदन पत्र अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा। गुरुवार से हबीबगंज इंटरसिटी कल से पैसेंजर चलेगी। कोरोना के बढ़ते मामले के बाद भी रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए पैसेंजर ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। वहीं इंटरसिटी ट्रेन भी चलाने जा रहा है। जबलपुर से भोपाल के रवाना होने वाली हबीबगंज इंटरसिटी को जबलपुर रेल मंडल ने फिर से चलाने जा रहा है। बिना मास्क मिले तो अब खुली जेल में बिताने पड़ेंगे कई घंटे। जिले में बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव मरीज चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें देखते हुए कलेक्टर सचिव श्रीवास्तव ने जिले में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया है। वहीं बिना मास्क के सड़कों पर घूमने वाले व्यक्ति को अब 2 घंटे खुली जेल में रखा जाएगा एवं उसके वचन पत्र भरवाए जाएंगे कि वह भविष्य में बिना मास्क को सड़कों पर नहीं घूमेंगे। सोने की कीमत में आई तेजी, चांदी में भी हो गई महंगी। फटाफट चेक करें कितने बढ़े दाम। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोने चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली। आज सुबह 9:30 बजे जून को डिलीवरी वाला वायदा सोना 40% की तेजी के साथ 45,530 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड हो रहा था। आधार कार्ड के बिना भी मिल सकती LPG सब्सिडी, बस करना होगा यह आसान काम। गैस सिलेंडर की सब्सिडी सीधे ग्राहक के बैंक अकाउंट में जाती है, हालांकि सब्सिडी लेने के लिए आधार कार्ड का बैंक खाते लिंक होना जरूरी रहता है। लेकिन अगर किसी कारण से आपके आधार कार्ड को बैंक या LPG कनेक्शन के साथ लिंक नहीं करवा पाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बैंक कर्मचारी जाएंगे लंबी हड़ताल पर,
फटाफट निपटा लें जरूरी काम, इतने दिन बंद रहेंगे बैंक। सरकारी बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है, बैंक से संबंधित सभी जरूरी काम फटाफट निपटा लें। बैंक प्राइवेट जैसन को लेकर बैंक यूनियन एक बार फिर से हड़ताल पर जाने की तैयारी में है। हाल ही में अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ की परिषद ने देश भर के संगठनों के साथ बैठक की है। इस बैठक में सदस्यों को अपना आंदोलन तेज करने के लिए कहा गया है। आरबीआई ने इस बैंक के ग्राहकों को दी राहत। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को कोल्हापुर स्थित यूथ डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को राहत दी। आरबीआई ने सहकारी बैंक पर जनवरी 2019 से लगाई गई पाबंदियों को वापस ले लिया। केंद्रीय बैंक ने कोल्हापुर के सहकारी बैंक की खराब होती वित्तीय स्थिति को देखते हुए 5,000 रुपये तक की निकासी सीमा समेत कई पाबंदियाँ लगाई थी। आवास सही निम्न आय वर्ग परिवारों को 3 लाख अनुदान। प्रधानमंत्री आवास योजना के अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप घटक में अब निम्न आय वर्ग श्रेणी के सभी पात्र हितग्राहियों को भी 3 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने सोमवार को आदेश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जान को खतरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जान को खतरा है, इसका खुलासा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने किया है। दरअसल मुंबई स्थित सीआरपीएफ ने हेड ऑफिस को मिले एक ईमेल में धमकी दी गई है कि आने वाले कुछ दिनों में गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में प्रदेश में इंदौर को पहला स्थान। महिला एवं बाल विकास द्वारा इंदौर जिले में 23 मार्च 2020 से अब तक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 32,257 प्रकरण बनाए, संख्यात्मक रूप में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना में जिले की कुल 14,500 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। विभाग द्वारा चिकित्सा की जटिलता वाले बच्चों को चिन्हित कर उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र पर उपचार प्रदान किया गया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।